हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं रवा मसाला इडली ढोकला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल, जिसमें हम ऐड कर देंगे ये सूजी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ड, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने सूजी को और कर्ड को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसके लिए थोड़ा सा खट्टा कर्ड ले सकते हैं। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे रेस्ट पे रखेंगे, ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, हमने सूजी को आधा घंटा रेस्ट पे रख दिया था, ये एकदम ठीक हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने इसमें पानी मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस टाइप की होनी चाहिए ना, ये बहुत थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब हम डालेंगे इसमें एक तड़का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। ये देखिए, हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है इडली बनाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने पतीले में पानी रख दिया है ये गर्म करने के लिए। हम अपनी इडली जो है इसमें रख के स्टीम करेंगे। अब हम डाल देंगे अपने बैटर में इनो, ये हमें सबसे लास्ट में ही ऐड करना है इसमें। इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमने लिया है इडली का स्टैंड, हमने इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपना बैटर जो है इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने अपनी इडली जो है इडली का बैटर इसमें स्टैंड में लगा लिया है। अब हम इसको स्टीम कर, ये देखिए हमारे पानी में भी बॉइल आ गया है। अब हम अपना इडली का जो स्टैंड है जो हमने लगाया है, ये हम इसके अंदर रख देंगे और इनको स्टीम करेंगे। हम इसको 10 से 12 मिनट एकदम फुल फ्लेम पे स्टीम करेंगे, कवर करके इस तरीके से। अब हम एक बार इस तरीके से नाइफ डाल के इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा नाइफ जो एकदम क्लियर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी इडली जो अच्छे से स्टीम हो गई है। अब हम अपना स्टैंड जो है ये बाहर निकाल लें। ये देखिए, ये हमारी इडली जो है हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम अपनी मोल्ड में से ये इस तरीके से निकाल लेंगे नाइफ से। ये देखिए, हमने अपनी इडली जो है इसमें से निकाल ली है, एकदम स्पॉन्जी इडली बनी है। अब हम बनाएंगे अपनी इडली के लिए मसाला। ये देखिए, मसाला बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये सेसमी सीड्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ड्राई चिल्ली, ये मैंने ड्राई रेड चिल्ली ली है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कड़ी पत्ता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी, आप चाहें तो मार्केट की टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये घर में ही बनाई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिल्ली सॉस। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। ये देखिए, हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। देखिए, ये हमारा मसाला इडली ढोकला के लिए अच्छे से बॉईल हो गया है, ये हमारी जो ग्रेवी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी इडली इस तरीके से। अब हम अपनी गैस जो है वो बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अपनी इडली जो है इसमें डिप कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए, अब हम इस तरीके से अपनी इडलियाँ जो है अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी की इडली भी हम इस तरीके से इसमें डिप करके निकाल के रख लेंगे।
अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए हमने अपनी इडली ढोकला, मसाला इडली ढोकला सर्व कर लिया है। अब हम गार्निश कर देंगे इस पर थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।